हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरेट पे। सो आज की जो रीडिंग है वो ये जानने के लिए कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। सो रीडिंग के लिए मेरे पास यहाँ पर दो पाइल है। एक पाइल है स्ट्रेंथ का कार्ड जो कि है पाइल नंबर 1 और दूसरा है द मैजिशियन। ये दोनों पाइल आपकी चॉइस के लिए रखे गए हैं। कार्ड्स मैंने हमेशा की तरह पहले से ही शफल करके रखे हैं और टाइम्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन किए हुए मिलेंगे। आप क्लिक करके डायरेक्ट अपनी पाइल की तरफ जा सकते हैं उसमें। सो पाइल सेलेक्ट करने से पहले हर बार की तरह आप अपने गुरु का, ईश्वर का, आपके उस पर्सन का, आपके भगवान का, सबका ध्यान करें और उसके बाद आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ करें। व्यूवर्स ये ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ रिजोनेट हो। सो अगर ये पाइल आप सुनने के दौरान आपको ऐसा लगे कि रिजोनेट नहीं कर रही तो आप कभी भी अपना पाइल जो है वो स्विच कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ जो कि है द स्ट्रेंथ का कार्ड। सो देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ वॉन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्स। वाओ, सुपर्ब कार्ड। द हेरोपंथ, दी चैरियट। सो साइंस में आपको बता देती हूँ ये आपकी या उनकी दोनों की हो सकती हैं। फायर साइंस है लियो, एरिस, सैज। अर्थ साइन है टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉन। वाटर साइन भी है, साइन है लिब्रा, एक्यूरस, जेमिनी। और एयर साइन भी है कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर। इनमें से कोई भी साइन आपकी और उनकी दोनों की हो सकती है। सो शुरू करते हैं। आपके जो पर्सन है वो राइट नाउ काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आपको कई हद तक ये लग रहा होगा कि वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वो इस वक्त अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। उनके काम में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई इश्यूज़ है, कोई जॉब का प्रॉब्लम हुआ है उनको या कोई लीगल मैटर चल रहा है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। वो इस वक्त पूरा फोकस जो है उनका उस पर, अपने काम पर उन्होंने पूरा फोकस बना के रखा हुआ है। और एट ऑफ वॉन्ट्स एक्शन का भी कार्ड कहता है, ये आपके प्रति एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा उनकी अगर करंट फीलिंग्स की बात करें ना तो ये इस वक्त अपने काम को लेकर भी इंटरेस्टेड, अपने काम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कि ये कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये नई शुरुआत शायद आपके साथ ही शुरू करने जा रहे हैं या ये नई शुरुआत अपने काम में करने जा रहे हैं। इनकी कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। ये अपने आप को भी एक नया इंसान बना रहे हैं। इन्होंने ना अब तक अपने आप को बहुत ज़्यादा ये रखा था कि बहुत ज़्यादा इन्होंने अब तक ना काफ़ी अपने आप को अकेला और हर्ट रखा। काफ़ी ज़्यादा इनकी होप्स है ना ऐसी रही कि काफ़ी ज़्यादा निराश, काफ़ी अपसेट, काफ़ी अलग ही एक इंसान रहे। पर अब ना इनमें थोड़ी अवेकनिंग हो रही है, काफ़ी इनमें चेंजेस आने लगे हैं। धीरे 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 नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल वाली पोजिशन पर आ रहे हैं। जो ये पहले इंसान एग्रेसिव थे ना, अब उनका एग्रेशन जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड नई शुरुआत की बात कर रहा है। इस कार्ड की मैं क्लैरिटी लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं एस ऑफ पेंटिकल का क्या क्लैरिटी है, मुझे क्लैरिटी दें इसके बारे में, इस कार्ड के बारे में। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो ये जो नई शुरुआत है ये आप ही के साथ है, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, उसकी तैयारी है। ये करंट फीलिंग्स जो है वो आपके साथ नई शुरुआत देखने की है। ये जो मेहनत कर रहे हैं ये आप ही के साथ कर रहे हैं, ये आपके लिए ही कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये अपने आप को उस काबिल बना रहे हैं, उस तरीके का इंसान बना रहे हैं। इनकी जो सोच है उन्हें लग रहा है कि अभी भी वो उनको काफ़ी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो ये अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये आपके लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये न्यू बिगनिंग की होप्स के साथ नज़र आ रहे हैं। काफ़ी होप्स हैं इन्हें आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा वो तैयारी कर रहे हैं। शायद इन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान अपना वेट भी बढ़ा लिया है, शायद कुछ हेल्थ इश्यूज़ है। अपने आप को ठीक कर रहे हैं ताकि वो आपसे जब मिले ना तो आपके सामने वैसा इंप्रेशन बना रहे, अपना इंप्रेशन ना खराब हो, इसलिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं आपके पास आने से पहले। उनकी जो करंट फीलिंग्स है वो खुद को लेकर थोड़ी इनसिक्योर हो चुके हैं। आपको लेकर तो है ही, पर वो थोड़ी इनसिक्योरिटी ना और थोड़ा अनकंफर्ट जोन जो है वो उनको अपने लिए भी आ चुका है। थोड़ा वो अपने आप को लेकर अनकंफर्टेबल हो गए। वो ऐसा ये आपकी उनकी दोनों की एनर्जी हो सकती है। थोड़ा वो ऐसा चाहते हैं कि मैं थोड़ा प्रॉपर बन जाऊं इसके लायक, उसके बाद आऊं। ये काम में भी मेहनत कर रहे हैं, शायद इनकी अर्निंग में कुछ इश्यूज हुआ है, कोई लीगल मैटर हुआ है जिसके कारण ये परेशान हुए हैं, तो ये उसको भी ठीक कर रहे हैं। और इनके अगर कोई घर के इश्यूज है तो उसको भी सॉर्टेड करके फिर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है नियर कम्प्लीशन, वो एकदम आपके नियर आने वाले, उनका कम्प्लीशन, आप लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत ही जल्दी। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है मुझे लगता है उसके लिए मुझे कार्ड्स निकालने नहीं पड़ेंगे, बहुत क्लियर यहाँ पे साइंस ही दिख गए हैं, बहुत क्लियर। उनके करंट फीलिंग्स में ही उनके एक्शन का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। वो आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं,
वो नाइन ऑफ कप्स हमेशा एक नियर कम्प्लीशन का कार्ड होता है, ये कुछ कंप्लीट करते हुए जा रहा है, और उनका जहाँ पे एक्शन देखें तो वो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अपना जो काम है जिनका अधूरा था वो काम पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये आपकी तरफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा ही ये कार्ड अगर देखें, बहुत ही सुंदर कार्ड जो है आपके लिए आया है, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड कहता है ये शायद आपके लिए शादी का प्रस्ताव रखने वाले हैं, ये कोई प्रपोजल रखेंगे, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, बहुत ही सुंदर सेलिब्रेशन, शायद आप दोनों के मिलने का सेलिब्रेशन होगा, ये किसी प्रकार का सेलिब्रेशन होने वाला है, उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी, हार्डवर्क भी बहुत कर रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा दिख रहा होगा कि आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, परफेक्ट है, ये अपने आप पे काम कर रहे हैं और अपने आप को आपके लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो रिग्रेट वाला उदासी वाला फेज़ है ना, वो चला गया है, ये अब तैयार हैं, ये आपके पास आने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, और ये प्रपोजल का कार्ड है और बहुत ही ईजीली ये और बहुत ही क्लियर साइन है, ये आपको प्रपोजल देते हुए दिखेंगे, आपके पास एक्शन लेते हुए दिखेंगे। द हीरोपन का कार्ड कहता है कि अभी तक वो इसलिए स्टक थे क्योंकि उनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा था, कोई ना कोई एक पर्सन उनकी लाइफ में ऐसा है जो आपको पसंद नहीं करता, किसी को आपसे प्रॉब्लम ज़रूर है, कोई आपके खिलाफ है जो बार बार उनके कान भर रहा है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है पर ये उनके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई दोस्त है जिन्हें जिन्हें आप पसंद नहीं हो, कोई भी एक इंसान हो सकता है या उनके माता पिता भी हो सकते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं हो, तो वो उन्हें ना बहुत बार बार चाबी भर रहे हैं जिसके कारण ना वो इतने लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं, बहुत लंबा टाइम उन्होंने स्टक होकर निकाला है, वो बहुत टाइम से ना ऐसा लाइक ऐसे हो गए थे कि नहीं मैं नहीं आता हूँ, वो इनको देख कर शांत रहे, उनके अगर दोस्त है तो वो अपने दोस्तों की सुनकर उनकी बातों में आते रहे और उसके कारण वो अभी तक निकले नहीं, वो एक्शन में नहीं आए, पर उनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि अब वो ना इनकी भी नहीं सुनेंगे, अब वो एक्शन लेने की तैयारी में है, अब उनका ऐसा हो गया ना कि बाकी सब जो बोल रहे हैं बोलते रहे, मैं अपना एक्शन लूँगा क्योंकि मैं अब ये चाहता हूँ, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं अब ये चाहती हूँ या ये चाहता हूँ और अब मैं यही करूँगा, उनका ये डिसीजन हो चुका है। तो चैरियट का कार्ड अब इंसाफ और स्टेबिलिटी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अभी तक उन्होंने पता है क्या किया ना, अभी तक उन्होंने ये थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, अगर ये इनके दोस्त भी हैं या इनके माता पिता, ये उनको बहुत सुन रहे थे, उनको सुनने के चक्कर में नहीं आपको अवॉइड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे, ये आपको फोकस नहीं दे रहे थे जितनी अटेंशन देनी चाहिए थी, इनके बातों में अगर ये बोल देते थे ना कि आपने कुछ गलत किया है तो ये इस बात को मान लेते थे, विश्वास कर लेते थे इस बात पर, फिर उसके कारण कैसे ना वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको गलत समझ रहे थे, आपको नेगेटिव वे में लेके जा रहे थे, आपने इसके कारण बहुत कुछ फेस किया, पर इनकी करंट फीलिंग्स कहती है कि ये अब इनको ध्यान नहीं देंगे, ये थर्ड पर्सन को सुनने वाले नहीं हैं, ये इनको बोलते ना निकलते हुए आर पार करते हुए आपकी तरफ आएंगे और ये बोलते ना प्रॉपर स्टेबिलिटी निभाएंगे, ये इस पर्सन को छोड़ेंगे नहीं, ये जो भी पर्सन है ना अभी तो ये ऐसा कोई साइन नहीं दिखा रहा है कि ये इनको छोड़ेंगे, ये आएंगे लेकिन अभी इसकी बात न सुनकर नकारते हुए इधर आएंगे आपके पास, पर स्टेबिलिटी बनाएंगे इस पर्सन के साथ भी और आपके साथ भी, दोनों के साथ ना एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ये बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, ये उनकी करंट फीलिंग्स है, ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे मैं बैलेंस बनाऊंगा, कैसे मैं प्रस्ताव रखूंगा, कैसे मैं आऊँगा, ये उनके नेक्स्ट एक्शन की तैयारी है, उनके नेक्स्ट जो एक्शंस है ना वो यही है कि उन्होंने ये सोच रखा है कि वो दोनों तरफ बैलेंस बनाएंगे, पर कहीं ना उनका बैलेंस डावाडोल हो जाएगा, बैलेंस उनका आपके प्रति नहीं होगा, इस पर्सन के कारण इस पर्सन के ऊपर से बैलेंस हटने लगेगा, धीरे धीरे जैसे आप उनकी लाइफ में आओगे ना ये पर्सन से उनका ध्यान थोड़ा हटने लगेगा। थोड़ा और क्लैरिटी कार्ड मांगते हैं इनके एक्शन का, यूनिवर्स मुझे क्लैरिटी कार्ड दें, द चैरियट का, द हीरो पेंथ का, वो पर्सन किसकी तरफ ज़्यादा झुकेंगे, हमारे व्यूअर्स की तरफ या फिर वो थर्ड पार्टी को ही सुनते रहेंगे जो इन्फ्लुएंस कर रहा है उन्हें, क्या वो उनकी बात मानेंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा काफ़ी क्लियर साइन है, काफ़ी इस क्लियर साइन, ये देखिए जो कार्ड निकले द पेज ऑफ कप, ये इनकी जो है एनर्जी है, द एम्प्रेस ये आपकी एनर्जी है, जल्दी ही आपके पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि जिसके कारण वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा बचपना रखते हैं, वो मैच्योर नहीं है, वो बस बिना बात के बोल रहे हैं ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में, ये अगर थर्ड पार्टी का सीन है, अगर ये थर्ड पार्टी है तो ये समझ जाएंगे कि ये इमेच्योर है, थर्ड पार्टी को ये धीरे धीरे इमेच्योर मानने लगेंगे, इनकी बातें ना उनको समझ में नहीं आएंगी, वो ना इन्हें बच्चा समझने लगेंगे, ये सोचेंगे बचपन है, बेवकूफ़ी है, क्योंकि ना ये अभी इनके खिलाफ़ नहीं होंगे लेकिन हाँ ये इनके खिलाफ़ नहीं होंगे लेकिन इनको साथ में भी रख के चलना चाहेंगे, लेकिन हाँ इनकी तरफ से थोड़ा कटने लगेंगे, धीरे धीरे कटेंगे, पहले इनको बचपना समझेंगे, पहले शुरू ऐसा ही होगा कि ये जो भी बोलेंगे ना ये इन्हें अवॉइड भी करेंगे, ये आपके जो पर्सन है वो इनको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है ना इनको अवॉइड करेंगे, चाहे वो उनके माता पिता क्यों ना, वो उनकी सुनना बंद कर देंगे,
वहीं द एम्प्रेस का कार्ड कहता है ये आपकी जो एनर्जी है वो दिखाता है, आपका जो केयरिंग और आपका जो प्यार देने का स्वभाव है, ये इतना इतना अच्छा स्वभाव है ना आपका कि इसके कारण ये आपकी तरफ बोलते हैं ना झुकते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही क्लियर साइन है। ये आपकी तरफ धीरे धीरे झुक जाएंगे और इस पर्सन को धीरे धीरे भूल जाएंगे, धीरे धीरे ये इनसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं पर आपकी तरफ झुकते हुए नजर आएंगे बाद में। ये आपकी तरफ ज़्यादा सुनेंगे, आपको ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम ना वो आपके बिना रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि आपका वर्थ क्या है, उनको समझ में आ चुका है कि आपके बिना रहना क्या होता है। आपकी बहुत सारी बातें जो उन्हें पहले समझ में नहीं आती थी ना, पहले जिस बातों पे वो गुस्सा करते हुए दिखते थे, अब वही बातें ना इन्हें समझ में आएंगी, क्योंकि आप भी बहुत प्यार से समझाते हुए दिखेंगे और ये भी समझते हुए नजर आएंगे। धीरे धीरे ना इनका जो सीन है ये ख़त्म होने वाला है, ये आउट हो जाएंगे पिक्चर से, ये धीरे धीरे जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये आउट हो जाएंगे, ये इनको सुनना बंद कर देंगे, इनके कान बंद हो जाएंगे इनको लेकर, पर ये आपको सुनेंगे, आप में इंटरेस्ट लगाएंगे और प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा आप लोगों का, बहुत ज़्यादा। प्रपोजल भी डेफिनेटली है, वो आपको शादी का प्रस्ताव रखेंगे या तो एंगेजमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ है वो, या शायद आपके पास रिंग लेकर आएंगे, लेकिन आएंगे किसी किसी ना किसी नए ऑफर और प्रस्ताव के साथ है। कोई सेलिब्रेशन का टाइम होगा, और या तो हो सकता है ये एक मैटरनिटी का भी कार्ड है, तो या तो हो सकता है कि आप बेबी प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो ये आपको बेबी प्लान जो है उसमें सक्सेसफुल करते हुए नजर आएंगे, कि आप लोग शायद बेबी सीरियसली अब उनकी हाँ आ जाएगी या उनका कोऑपरेशन जो है वो आपको मिल जाएगा, जो भी इशूज़ आपको अभी तक फेस करने पड़े थे वो प्रॉब्लम सबकी सॉल्व हो जाएगी। और द स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि आपने जो अपने अंदर जो स्ट्रेंथ बना के रखी है उसे कंटिन्यू रखें, ये आपका पावर है, आप इस लेवल पे हो, इस एनर्जी पे हो, आप एक शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो लेकिन उसे बहुत प्यार से सहला रहे हो, आप शेर के सामने हो, आप इस वक्त उनका यूनिवर्स हो, उस शेर का इन्फिनिटी कहती है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ होगी कि आप इन्हें बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से संभाल लेंगे। जब ये आपके पास आएंगे ना, आप इनको इतना प्यार देंगे, इतनी केयर करेंगे ना, चाहे आप खुद हर्ट हो, आप बहुत ज़्यादा लोनली रहे होंगे, लेकिन आप फिर भी इस पर्सन को प्यार देने से बाज नहीं आएंगे, चाहे इस पर्सन ने आपके साथ कुछ क्यों ना किया हो, आप उसे इतना प्यार देंगे ना कि वो पर्सन ऐसा ना पिघल जाएगा, चाहे वो शेर क्यों ना, वो आपके सामने पिघलेगा, आपके आपके आने वाला फ्यूचर जो है ना वो बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। इसके कारण आपका जो आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी रहेगी। आप जो स्ट्रेंथ अगर नहीं है तो ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आने वाली है, या आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है वो ये है, वो काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग्स में एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर है, वो एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, सब कुछ ठीक होने की कगार पे, उनकी करंट फीलिंग्स यही है कि वो यही सोच रहे हैं कि वो आपके पास कैसे आए, वो पूरी प्रिपरेशन और तैयारी में लगे हुए हैं, वो बहुत सारे बोलते हैं ना गेम्स चालू हो गए उनके माइंड में कि अरे ऐसा करूँगा तो आ जाऊँगा, ऐसे करूँगी तो आ जाऊँगी, उनके दिमाग में यही सब बातें चल रही हैं। और ये जो है ना ये अपना काम कर रहे हैं साइड में, साइड बाय साइड इनका चालू है, पर ये उनको अवॉइड कर रहे हैं, ये उनकी करंट फीलिंग्स है। और एक्शन तो आप देख के हैं, वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, वो आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही क्लियर साइन है। ना सिर्फ वो आपके पास आएंगे, वो शादी का प्रस्ताव भी रखेंगे, शादी का ना सही तो एटलीस्ट कोई ना कोई प्रपोजल वो आपके सामने रखते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ये पूछेंगे कब तक आने वाले हैं, तो ये विद इन 4 मंथ्स के अंदर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, 4 मंथ 4 वीक्स और 4 मंथ्स, किसी किसी के लिए 4 मंथ्स होगा, किसी के लिए 4 वीक्स और किसी किसी के लिए 4 डेज भी हो सकता है। ये विद इन 4 मंथ्स में आते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ, सब कुछ आपको ठीक होता हुआ नज़र आएगा। ये इनकी करंट फीलिंग्स है जो अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स क्या आप लोगों के लिए एडवाइस देता है, यूनिवर्स के माइंड में आपके लिए क्या एडवाइस है, यूनिवर्स बताइए क्या एडवाइस है। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ये आपको जो है मोनोलॉजी से कार्ड आया है। आपका जो कमिटमेंट है, जो आपका इनके प्रति कमिटमेंट है, जो इतना प्यार है, जो इतना स्नेह है, इस समय ना ईश्वर जो है ना वो आपकी परीक्षा ले रहा है। आपको डेफिनेटली पेशेंस बनाए रखना होगा, आपको अपने अंदर जो स्थिरता है, जो आप स्ट्रेंथ अभी आपने मेंटेन की है, जो आपके अंदर होप्स है, जिस लेवल पे आप चल रहे हो ना आपको उस लेवल पे चलना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपका कमिटमेंट जो है वो इस वक्त इस समय परीक्षा के कगार पे, और जल्दी आप इस परीक्षा को पार करते हुए भी नज़र आ रहे हो, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छा समय आने वाला है आपका, और बस आपको जो है पेशेंस मेंटेन करने हैं और इस परीक्षा में सफल होना है। ये परीक्षा में आपको हारना नहीं है, रोना नहीं है, तकलीफ में नहीं रहना है, आपको चीज़ों से निकलना है। ये पर्सन आपके पास 110% आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आप देखते हैं आपके पर्सन जो है वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज है, वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं, फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के पर्सन क्या बात करना चाहते हैं। सो आई गेस इतने काफ़ी रहेंगे। सो पहला मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये शायद जो आपके पर्सन है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इस वक्त, जो भी उन्होंने अभी तक बिहेवियर किया, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले काफ़ी एग्रेसिव थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले थे, शायद कोई बातें आपके समझते नहीं थे, इमैच्योर बिहेवियर था, तो अब ये आपकी बातें समझते हुए दिख रहे हैं, अब इनको आपकी बातें समझ में आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनकी एक जर्नी चल रही है जहाँ पे ना उनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, तो उस जर्नी के बीच में ना आप उनको पोक ना करें, जो भी जैसा चल रहा है वैसा चलने दें।
शाइन, ओके, आपकी आपकी शाइन है, आपको ना अपनी शाइन कम नहीं होने देनी है। आपकी जैसी शाइन आपने मेंटेन की है ना, आपके अंदर अचानक से एक शाइन आई है, आप कुछ धीरे धीरे स्ट्रेंथ लेने लगे हो, आप धीरे धीरे ना आप पॉजिटिव इंसान बनते जा रहे हो, थोड़े स्पिरिचुअल भी हुए हो शायद, आपके अंदर ना एक नई होप्स, एक नई बिगनिंग शुरू हुई है, आप बहुत सारे अच्छे विचारों के साथ उठे हो, तो वैसे ही आप शाइन करते रहें। आप जो अपनी शाइन से है ना अपने सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट करें, ताकि वो भी देख के हैरान हो जाए कि वो कैसे आपको छोड़ कर गए थे और आप स्टिल आप स्ट्रांग कैसे रहे। आपकी स्ट्रेंथ का कार्ड तो काफ़ी क्लियर बताता है कि आप बहुत स्ट्रांग इंसान हैं। अब गिव अप नहीं करेंगे जल्दी। मीटअप, आप लोगों का जल्दी मीटअप होने वाला है, बहुत जल्दी। बहुत लोगों के लिए रिकंसिलेशन का कार्ड्स थे, बहुत लोगों के लिए प्रपोजल के कार्ड्स थे, आपका मीटअप होने वाला है बहुत ही जल्दी, किसी भी प्रकार से हो सकता है, हो सकता है वीडियो कॉल या हो सकता है इन फ्रंट आपके सामने अचानक आ जाए। हिंट, ओके, ये आपको हिंट देते हुए दिखेंगे किसी ना किसी तरीके से। आप उनकी करंट फीलिंग्स जो है वो तो है ही, पर ये आपको हिंट देंगे पहले पहले जो शुरुआत करेंगे ना, वो आपको बहुत नॉर्मल तरीके से कुछ हिंट देते हुए करेंगे, या तो जैसे कि आपका स्टेटस वगैरह आपने रखा तो वो देखते हुए नज़र आएंगे कि वो देख रहे हैं, वो आपको एक तरीके से हिंट देंगे कि मैं देखो मेरा ध्यान है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ अभी भी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ये आपसे बता रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी के इश्यूज़ के कारण आप लोगों को ये फेस करना पड़ा है, क्योंकि थर्ड पर्सन तो डेफिनेटली है कोई आप लोगों के बीच में, ये शायद इनका काम है या कुछ है, और आपका ऐसा सोचना हो गया कि ये पर्सन सिर्फ उसी को ध्यान दे रहे हैं, तो ये आपको मैसेज काफ़ी क्लियर है कि वो आपको बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपके और किसी के नहीं। प्रॉमिस मी, सो ये आपसे एक प्रॉमिस मांग रहे हैं, जबकि छोड़ के तो ये आपको खुद गए हैं, गलतियां भी इनकी, रिग्रेट भी इनका, बट फिर भी ये आपसे वादा मांग रहे हैं कि आप वादा करें कि आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं, आप उन्हें भूलेंगे नहीं। अजीब है यार, छोड़ें भी खुद, वादा भी आप ही से मांगें। सो ये लेटर्स ना आपके या उनके दोनों में से किसी के हो सकते हैं, या इस लेटर से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। DHLPTX, आप देख लीजिएगा, इससे कोई वर्ड भी बन जाए तो पता नहीं है, आप लोगों का कोई कनेक्शन हो सकता है इस लेटर से, या ये लेटर्स उनके मिलने के दौरान आपसे कुछ कनेक्शन में रहेंगे। ओके, और एक लेटर निकला है, ये लेटर भी आपके या उनके नाम के हो सकते हैं, या कोई कनेक्शन हो सकता है आप लोग का इनसे। CGKOSW, आपके या उनके नाम में हो सकता है ये वर्ड, या ये लेटर या तो एक वर्ड बन सकता है या कुछ कनेक्शन है आप लोगों का। आई एम क्रेजी अबाउट यू, इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, उनको एक अलग सा ही पुल महसूस हो रहा है, एक अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, जिसके कारण उनका ध्यान है ना आपसे भटकना बहुत मुश्किल हो चुका है। रिकंसलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप में से काफ़ी लोगों के लिए रिकंसलेशन है, बहुत ही क्लियर साइन है, आप लोग रिकंसलेशन करने वाले हो। हंसना भूल गया हूँ, सो उनका ये मैसेज है कि वो आपके बिना हंसना भूल गए, उनको आपके बगैर इतनी आपकी कमी खा गई है ना कि वो अब हंसना ही भूल गए, उन्हें अब हंसना ही याद नहीं रहा कि कैसे वो हंसा करते थे, क्योंकि आपकी मेमोरीज उनको है ना याद आती होंगी, और अभी जो है वो जो अभी करंट सिचुएशन में है ना, वो अपने आप को ही भूल गए, अपना जो स्माइल है वही भूल गए, क्योंकि आप ही उनकी स्माइल का कारण थे। ग्रैटिट्यूड, आप लोगों का ग्रैटिट्यूड का ये मैसेज आया है, जिसमें या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो ये इशारा है कि आप लोग हर चीज़ का शुक्र माने, शायद आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से शिकायतें कर रहे हैं, या वो अपनी ज़िंदगी से शिकायतें कर रहे हैं, तो ये जो ईश्वर का मैसेज है वो ये आपसे कहने की कोशिश है कि आप हर चीज़ में शुक्र करें, कुछ भी बुरा नहीं हो, जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतना आपके साथ पॉजिटिव होगा। ओके, रेड कलर या तो आपने पहना होगा जब वो आएंगे, या तो उन्होंने पहना होगा रेड कलर, या रेड कलर आपके लिए लकी है, कुछ भी कनेक्शन हो सकता है लाल कलर से, कुछ ना कुछ होगा। आप जब वो आएंगे ना, तो आप नोटिस कीजिएगा कि उन्होंने या आपने लाल कलर पहना है क्या, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको रीडिंग रिजोनेट लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिए कि कितनी रिजोनेट रही है, और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो वीडियो पे एक मस्त वाला लाइक तो बनता ही है, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी ऐसे ब्यूटीफुल रीडिंग्स देख सकें आप। और अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो अब आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये द मैजिशियन का कार्ड चुना है। मैजिशियन का कार्ड एक यूनिवर्स का कार्ड माना जाता है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड। ये कहा जाता है कि ये ईश्वर का एक कार्ड है जो बताता है तथास्तु, हर चीज़ में आप जो भी सोच रहे हैं ना वो होगा तथास्तु, वो पॉजिटिविटी फैलाते हुए नज़र आते हैं। ये कार्ड में सब कुछ है, आप शायद अबंडेंस के बारे में सोच रहे हैं, पैसे के बारे में, बिजनेस के बारे में, इस पर्सन के बारे में, तो भगवान आपको जो ईश्वर है ना वो आपको तथास्तु बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। पर मेक श्योर आपसे पॉजिटिव सोचे, अगर आपने नेगेटिव सोचा ना तो वो उसको भी तथास्तु बोलते हुए नज़र आएंगे। सो
सो ये जो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनके एक्शंस देखने के लिए है। अभी देखते हैं, सबसे पहले मैं साइंस बता देती हूँ। फायर साइन है एरिस लियो सैज, और अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस, और आई डोंट नो व्हाई मैं स्पाइसिस बोलती हूँ, पाइसिस है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। इनमें से कोई भी साइन आपकी भी हो सकती है, सामने वाले पर्सन की भी हो सकती है, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। सो आपकी जो पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी क्लियर साइन दे रही है कि वो अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में ज़रूर हैं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या वो ऑलरेडी मैरिड है, कुछ ना कुछ ज़रूर है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है। थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का भी कार्ड माना जाता है, किसी प्रकार के किसी चीज़ का सेलिब्रेशन भी हो रहा है, लेकिन एक थर्ड पार्टी का मुझे ज़्यादा लग रहा है। ये लग रहा है थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के इसमें है। पाइल वन का भी कुछ ऐसा ही निकला है उनका, पता है पाइल वन का भी कुछ इसी तरह का निकला है, उनके भी इसमें काफ़ी क्लियर साइन था, और पाइल टू का भी एक ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड आया है। ये थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है जिसके कारण, और ये सेलिब्रेशन भी हो सकता है। और इस वक्त अगर उनकी करंट फीलिंग्स की बात करें तो इस वक्त ना वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा। आप ना उनके मन में दिमाग में बुरी तरह घर कर चुके हो, और बहुत ज़्यादा वो अकेला भी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो लोनली हो चुके हैं, उदास है, अपसेट है। उनको कैसा हो गया ना कि उनके दिल पे जैसे बहुत ज़्यादा घाव लगे हैं, बहुत ज़्यादा। चीट उन्होंने ही किया है, लेकिन चीटेड वो फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन्हें धोखा दिया है। वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, उदास है, निराश है, शायद बहुत दुख भरे गाने भी सुन रहे हैं, रो भी रहे हैं, सो भी नहीं रहे हैं बहुत बहुत टाइम, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दी लवर्स का कार्ड बहुत क्लियर बता रहा है कि आप उनके सपनों में भी आते हो। आप लोग शायद कोई किसी प्रकार की टेलीपैथी कर रहे हो, आप शायद इतना ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हो ना कि आप उनके सपनों में आ रहे हो, या तो वो आपके सपनों में आ रहे हैं। वाइस एंड वर्सा भी एनर्जी होती है ये, और वो अभी इस वक्त उनकी जो करंट फीलिंग्स की बात करें तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन उनका जो कैसा है ना, उनका उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे वापस आए, उनको समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही वो कैसे आए। वो हालांकि वो एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि काफ़ी एनर्जी के साथ वो एक्शन ले रहे हैं, पर उनकी करंट फीलिंग्स की अगर बात करें तो इस वक्त तो वो बहुत ज़्यादा सोच में ही पड़े हुए हैं। वो सोच में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो लड़ने को भी तैयार हैं, उनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। पर इनसिक्योरिटी से ज़्यादा ना एनजाइटी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ना अकेले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में ना जैसे आपके बिना ना उनका वर्ल्ड पूरा ही नहीं हो पा रहा है, उनको उनकी दुनिया पूरी नहीं हो पा रही, उन्हें बहुत ज़्यादा कमी खल रही है, बहुत सारी चीज़ें ना जैसे अधूरी रह गई है लाइफ में ना। उनके पास अभी सब कुछ है, शायद उनके पास पैसा भी है, काम भी है, सब कुछ है, शायद थर्ड पार्टी भी है, लेकिन फिर भी ना एक आपकी जो कमी है ना वो है ना वो पूरी नहीं हो रही है, उसके कारण वो बहुत बहुत तकलीफ़ में है। वो उनको ये रियलाइज़ हो गया कि एक आप नहीं होना तो उनकी लाइफ ही नहीं है, लाइफ जैसे अधूरी सी हो गई है। टेन ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि वो अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स हैं, वो अपने आप पे मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम में लग गए हैं, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं खुद को ताकि वो आपको भूल जाए, बहुत कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन नेक्स्ट एक्शन अगर उनकी बात करें तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत जल्दी वो आपके पास आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बहुत जल्दी वो इस मोड से हटते हुए नज़र आएंगे। फिलहाल वो ये कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो बिज़ी हो जाएंगे तो वो आपको भूल जाएंगे, उनकी यही कोशिश है। वो अपना ध्यान भटका रहे हैं, वो हर तरीके से अपना जो है ना जो भी उनको तरीका सही लग रहा है वो हर तरीके से, हालांकि वो जबकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है इस वक्त, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, इसलिए वो शायद आपसे कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं। आपने शायद ट्राई किया होगा इनसे कम्युनिकेट करने का, पर उनकी जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि वो उन्होंने अपने दरवाजे ना इस वक्त बंद करके रखे हैं, वो अपने दरवाज़ों को ना खोलना ही नहीं चाहते, उनको ऐसा डर उनके अंदर एक फियर बैठ गया है कि उनको लग रहा है कि अगर वो दरवाज़ा खोल देंगे ना तो वो फिर से हर्ट हो जाएंगे, जबकि उन्होंने हर्ट आपको किया है, पर पता नहीं क्यों उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि वो हर्ट हुए हैं। आपने शायद उनको गुस्से में कोई ऐसी बात बोल दी है, कोई ऐसी लड़ाई हुई आप लोगों के बीच में कि काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गई, वो उस चीज़ को ना भूल नहीं पा रहे, और थर्ड पार्टी का भी कनेक्शन है, या तो ये सेलिब्रेशन है किसी चीज़ का सेलिब्रेशन, बट मुझे ये थर्ड पार्टी ज़्यादा इशू लग रहा है, मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी का कोई सीन ज़रूर है इनके, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, 110% कोई थर्ड पार्टी है, कोई इशू है, वो किसी चीज़ में ना बंधे हुए नज़र आ रहे हैं, कोई बंदिश है जिससे वो निकले नहीं है। और अगर बात करें ना तो उनका ध्यान उस पर भी नहीं है, उस पर्सन पे इनका 0% ध्यान है, बिल्कुल नहीं। वो पर्सन अगर उन पर ध्यान दे भी रहा होगा ना, पर इनका ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है इनका जो है ना, ये अपने आप को काम में बिजी कर रहे हैं, ये इन पर फोकस ही नहीं कर रहे ना इन पर ना आप पे, ये फिलहाल ना किसी से बात ही नहीं करना चाह रहे। इनकी करंट फीलिंग्स की अगर बात करें ना तो ये किसी से इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने में, इनका ये हो गया ना ये अकेला रहना चाहते हैं, इन्हें लगता है ये काम करेंगे तो ये सब चीज़ों से निकल आएंगे। लेकिन एक्शन की बात करें तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि ये एक्शन लेंगे, वो जल्दी आपके पास आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और ये आपको प्यार देना भी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आपको भूल नहीं पा रहे हैं।
दिलो दिमाग में आप छाए हुए हो या आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं और ये इंटिमेसी भी है बहुत क्लियरली, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक पुल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को आपसे एक इंटिमेसी भी चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं आपको मिलने के लिए बहुत ज़्यादा, बट ना फिलहाल ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठे हैं, खुद में सब्र बना कर रखा है उन्होंने, बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम वाम में बिजी कर रहे हैं हर तरीके से, पर फिर भी ना दिलो दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो इनके। दो क्लैरिटी कार्ड और निकाल लेते हैं, देखते हैं कि और क्या इनका अभी जो करंट फीलिंग है उसका क्या और अपडेट क्या है, देखते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ना खुश नहीं है किसी चीज़ से भी, कोई चीज़ में इनको मज़ा नहीं आ रहा है, ये आप ना इनके दिमाग में ही चल रहे हो, अभी ना इनको रिग्रेट वाली फीलिंग आ चुकी है, ये मैंने क्या कर दिया या क्या हो गया हमारे रिलेशनशिप में, इतना अच्छा खासा था, इतनी अच्छी चीज़ें चल रही थी, हम कितने खुश थे, उनके दिमाग में चल रहा है पुरानी बातें, बहुत सारी पुरानी चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं, उन्हें लग रहा है यार ये क्या हो गया, इतना अच्छा चल रहा था, सब बहुत अच्छा जा रहा था, कैसे सब बिगड़ गया, कैसे सब मैस हो गया, उन्हें ये भी एहसास है कि ये सब गलतियाँ उनसे हुई हैं, पर ना वो बोलते ना उस चीज़ पर मान भी रहे हैं कभी नहीं भी आ रहे हैं, और ये ऑन ऑफ एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, ये इंसान ना आपके पास कभी आते हैं नहीं आते हैं, आते हैं नहीं आते, ये हमेशा ऐसी एनर्जी में रहे हैं आपके साथ, पर अभी ना उनको ऐसा हो रहा है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे सब ठीक करे, उनका दिमाग है ना उनको समझा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि वो ठीक कैसे करे, उन्हें हालांकि एक्शन ज़रूर लेना है, उनकी करंट फीलिंग्स उनको बता रही है उन्हें एक्शन लेना है, पर उस वक्त ना वो प्लानिंग प्लॉटिंग में ही है, वो समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे कैसे, बहुत कन्फ्यूज है, बहुत कन्फ्यूज। वही द हाई प्रिस्ट का कार्ड दिखाता है कि इन्हें किसी सच का सामना करना पड़ेगा, इन्हें इनके सामने ना कोई सच आने वाला है, कोई इनको तकलीफ़ दे रहा है, कोई इनको धोखा दे रहा था, या किसी के बारे में ना आप इनको गाइड कर रहे थे कि ये पर्सन ना तुमको धोखा दे रहा है, जिस पर्सन के कारण ना इन्होंने आपको छोड़ दिया, इनको ना धोखा मिलने वाला है उस पर्सन से और इन्हें सच पता चलेगा, और इनका ना फिर उसके बाद आपके ऊपर ट्रस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बाद ना इनको आपके ऊपर भरोसा हो जाएगा, इन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा बहुत ज़्यादा, इन्हें लगेगा कि शिट इनसे क्या हो गया, इसलिए ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, और इनका जो एक्शन है ना उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये ना समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मैं कैसे एक्शन लूँ, ये आपके पास कैसे हैं, अगर आप पूछेंगे कि कब तक आपके पास आ जाएंगे कि ये एक्शन कब लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एक्शन लेते हुए ये विद इन 3 मंथ्स में दिखाई दे रहे हैं, 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, 3 वीक्स भी हो सकते हैं, 3 डेज भी हो सकते हैं, ये विद इन 3 मंथ्स या 3 डेज में या 3 वीक्स में आपकी तरफ आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही क्लियर साइंस है। सो आप देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देती है, क्या एडवाइस देती है, क्या आउटकम निकलता है आप लोगों का, हमारे पाइल 2 को क्या एडवाइस देती है यूनिवर्स, क्या ईश्वर बताना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, कि तब तक आपको क्या करना है। ओके एक मिनट, हाँ 3 कार्ड आ गए, मुझे सिर्फ एक चाहिए था। ओके यूनिवर्स आपको कह रहा है सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू डिवाइन, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो, सो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो ना उसके बारे में ओवरथिंकिंग मत करो, आप ना बहुत ज़्यादा इस पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है, आपका दिमाग और बोलते हैं ना पूरी तरह आप इसमें डूब चुके हो, बार बार हर सेकंड इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आपके पास कभी कभी ना आपका माइंड कहता है कि नहीं आएगा, और कभी कभी आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो ना आपको पूरी गारंटी हो जाती है कि आएगा, ज़रूर आएगा, मेरा ही है, मेरा पर्सन मेरे पास ही लौटेगा। तो डिवाइन कह रहा है ना कि ये सब की चिंता मत करो, ये मेरे ऊपर छोड़ो, ईश्वर है, ईश्वर बैठा है, वो आपका काम कर रहा है, प्रोसेस चालू है, अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड काफ़ी क्लियर मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बताता है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो कह रहे हैं सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर यानी कि आप ये सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए और आप अपने कर्मों पर, अपने जो काम है उस पर फोकस करें, आप अपने आप पर काम करें, आप इस पर्सन की चिंता ना करें, ये एक्शन ज़रूर लेंगे, इस वक्त ये ज़रूर कन्फ्यूज्ड है पर ये एक्शन ज़रूर लेंगे, ये इनकी करंट फीलिंग है कन्फ्यूजन की, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्शन कैसे लूँ, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो लेंगे, लेते हुए ज़रूर दिखेंगे, बहुत जल्दी उनको आउटकम मिल जाएगा कि वो आपके पास कैसे आए, पर वो तब तक कैसे ना ईश्वर उन्हें जो उनके कार्मिक लेसन्स हैं वो उन्हें दे रहे हैं, क्योंकि ये अगर थर्ड पार्टी का चक्कर है तो इन्हें कार्मिक लेसन मिल रहा है, इन्हें एक सबक मिल रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, उन्होंने जो पास्ट में आपको दुख तकलीफ पहुंचाई है ना, ये फिर उसके बाद जो है उनको लेसन मिलेगा, उन्हें पता चलेगा कि क्या हुआ, अगर आप बिना लेसन के उन्हें बीच में ही बुला लेंगे ना और बीच में ही कॉन्टैक्ट करेंगे, बार बार परेशान करेंगे ना, तो वो आएंगे ज़रूर पर वो टेम्प्रेरी हो जाएगा, फिर वो आपको ग्रांटेड लेंगे, फिर से आपके साथ बोलते हैं ना ऑन ऑफ वाली एनर्जी में आ जाएंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि परमानेंटली आ जाए तो आपको सरेंडर करना होगा डिवाइन को, उन्हें कि भाई ये चीज़ सोचकर आप सरेंडर कर दें कि भगवान आप ईश्वर आप बैठे हैं, मैं आपके ऊपर आपके भरोसे हूँ, मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो आएंगे और सब ठीक हो जाएगा, मैं तब तक आप अपने काम पे अपने आप पर अपने आप पर ध्यान दें, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाए, थोड़ा मेडिटेशन करें अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हैं तो, और देखते हैं आपके पर्सन अब आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप लोगों को अगर मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक कर दीजिए वीडियो पे जल्दी से, नहीं तो आप भूल जाते हैं,
अगर आपको मेरी रीडिंग रिजोनेट लगती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूले कि आपकी रीडिंग जो है वो रिजोनेट रही, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए ऐसी रीडिंग्स बना सकूं। और सब्सक्राइब नहीं किया अगर मेरे चैनल को तो विदाउट फील प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से काफ़ी लोग सिर्फ रीडिंग्स देखते हैं, सब्सक्राइब करना रह जाता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोज़ आप देख सकें। सो आई गेस इतने काफ़ी होंगे, नहीं तो यार रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। ओके, वो आपको शायद व्हाट्सअप करने वाले हैं। उनका एक्शन शायद ऐसा होगा ना कि वो शायद आपको पहले व्हाट्सअप पे ना एक नॉर्मल फॉरवर्डेड मैसेज भेजेंगे। वो ट्राई करेंगे या तो आपकी स्टोरी या स्टेटस देखेंगे, जैसे आपको दिखाएंगे कि देखो मैं आपको देख रहा हूँ, ताकि आप किसी तरीके से उनसे बात करें। वो सोचेंगे कि शायद आप उनको मैसेज कर लें, या किसी तरीके से फॉरवर्ड मैसेज जब करेंगे ना आपको, तो वो आपके रिएक्शन का वेट करेंगे। वो सोचेंगे कि शायद आप नॉर्मली बात करो, शायद पुरानी बातें आप भूल जाओ, आप नॉर्मल तरीके से हाय हेलो करने लगो। और आप कीजिएगा भी वैसा, अगर ऐसा रहा तो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रहिएगा। पास के बारे में ज़्यादा बात मत कीजिएगा, मत बोलिएगा उनको देखा मैंने कहा था ऐसा होगा, ये सब मत कीजिएगा। उसके बारे में वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। सरप्राइज़, ओके, वो सरप्राइज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। या तो वो आपको सरप्राइज़ देंगे, या तो उनका व्हाट्सअप या कॉल आपको सरप्राइज़ करेगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अचानक से वो सब होगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। या तो वो आपको कुछ गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। हंसना भूल गया हूँ, फाइल नंबर 1 के लिए भी बताया आपको ये सेम ही चीज़ आई है, फाइल नंबर 2 के लिए भी सेम, हंसना भूल गए हैं। आपके पर्सन जो है ना, वो आपको इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और उन्हें इतना रिग्रेट फील हो रहा है ना कि वो हंसना भूल चुके हैं इस वक्त। उनको हंसना याद नहीं है कि कैसे वो आपके साथ हंसा करते थे, वो सब वो भूल गए हैं। ट्रस्ट मी, वो आपको कह रहे हैं कि भरोसा करें, वो आएंगे ज़रूर, वो ज़रूर आएंगे। इस वक्त वो बस अपने जो है ना मोट ढूंढ रहे हैं कि कैसे आना है। आप उस बात पर भरोसा रखें और ईश्वर पर भी भरोसा रखें, डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो अपना काम ज़रूर करेगा। फोकस ऑन योर सेल्फ, यूनिवर्स कह रहा है और वो भी आपसे कह रहे हैं, आपके पर्सन भी, कि आप अपने आप पर तब तक फोकस करें। आपने शायद अपने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया है, तो आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू करें, ताकि कैसे ना आप उनके आने के बाद इतने इतने कैपेबल दौड़ो और ऐसे रहो कि उनको देख के लगे कि अरे यार मैं ऐसे कैसे छोड़ कर गया था, ये पर्सन तो कितनी चेंज और कितनी, अगर आप लड़की हैं लड़के हैं दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं कितना अलग इंसान सोचता था इन्हें, ये तो कितने अलग पर्सन है, इतने अच्छे होने चाहिए ना आप, कि वो हैरान हो जाए, उनको बहुत ज़्यादा और रिग्रेट लें। आपको बोलना नहीं है कि यार तुमने ऐसा किया वैसा किया, इससे कोई उनको फील नहीं होगा। आप अच्छे बन जाएं तो उनको खुद ही रिग्रेट लगेगा। एडिक्शन, उन्हें ना किसी तरह का किसी चीज़ का एडिक्शन हो रहा है पक्का। वो इन्होंने अभी रिसेंटली कोई चीज़ का एडिक्शन कर लिया है, करंटली जो उनकी फीलिंग्स में आ रहा है, या तो उन्होंने स्मोकिंग या ड्रिंकिंग शुरू कर दी है, या तो वो आपकी तरफ जो है वो एडिक्शन महसूस कर रहे हैं, वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे, ये भी एक प्रकार का एडिक्शन ही है। हैव फेथ, सो यह हैव फेथ का मैसेज बोलता है कि आप भरोसा रखें, सब कुछ ठीक होने जा रहा है, भरोसा है रखें, सब कुछ वो जल्दी आते हुए आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। सो उनका प्यार जो है वो बोलते हैं ना फॉरएवर वाला है, ख़त्म कभी नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा, चाहे कोई बीच में आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा बोलते ना प्यार आपसे करते रहेंगे, प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा अगर तुम साथ हो। ये सॉन्ग है, आपने देखा ज़रूर होगा, दीपिका पादुकोण का। अगर तुम साथ हो, बहुत ही फेमस सॉन्ग है, आप देखिएगा। ये पर्सन आपके बारे में या तो ये सॉन्ग देख रहे हैं आपके लिए, या तो आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं, या तो बार बार सुन रहे हैं और अपसेट हो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। सो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई और रिजोनेट लगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और वीडियो पे मस्त वाला लाइक तो बनता है, वो भी कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।